सिंपल लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए फिर से आज हम एक न्यू वीडियो न्यू रेसिपी लेके आ ही चुके हैं आप लोगों के सामने। तो आज हम ओल या सुरन का चोखा रेसिपी लेके आए हैं। ये देखिए तो चोखा भी हम बना के रेडी कर लिए हैं। इसमें डाल देते हैं मिर्चा। तो ये चोखा गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके बना के खा के देखिएगा। तो इस रेसिपी को चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो ये देखिए एक प्लेट में हम ओल ले लिए हैं, देसी ओल। तो ये व्हाइट वाला है, तो इसको हम सबसे पहले छील लेते हैं इसका छिलका। ओल को हम छील लिए हैं अच्छा से, ओल या सुरन। और ये व्हाइट वाला है, तो ओल दो प्रकार का होता है, जैसे कि एक व्हाइट वाला और एक रेड वाला। तो ये व्हाइट वाला है, तो इसको अच्छा से ये देखिए हम छील लिए हैं। अब इसको काट लेते हैं टुकड़ा टुकड़ा करके, उसके बाद बॉयल होने के लिए दे देंगे। तो छीलने के बाद हम अच्छा से काट लिए हैं, ये देखिए। तो ये 250 ग्राम है, अब इसको बॉयल कर लेंगे 15-20 मिनट तक। इधर गैस ऑन करके हम तसला डाल दिए हैं, ये देखिए। इसमें पानी डाल देते हैं और सब डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसको अच्छा से बॉईल कर लेते हैं, ढक्कन ढक देते हैं, पकाते हैं 20 मिनट बाद। और आज हम ओल का चोखा बनाने वाले हैं। तो ओल का चोखा बनाने के लिए ये देखिए व्हाइट वाला सरसों ले लिए हैं एक चम्मच जैसा। इधर नमक ले लिए हैं और इधर लहसुन ले लिए हैं 4-5 कली, और हरा मिर्चा ले लिए हैं 2। तो लहसुन सबका छिलका सब हम पहले हटा लेते हैं। ये लहसुन सबका छिलका सब हम हटा लिए हैं, मिर्चा का डांठी सब भी हम तोड़ लिए हैं। इधर सरसों है, तो सरसों में हम डाल देते हैं मिर्चा और लहसुन सब। सुशी बट्टा से हम पीस लेंगे सरसों को। तो इधर सिलबट्टा में हम डाल देते हैं सरसों लहसुन और हरा मिर्चा को, और इसको अच्छा से पीस लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे बॉल में। तो पानी ले लिया, ये देखिए अब थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, अब पीस लेते हैं। तो ये देखिए सरसों हम अच्छा से पीस लिए हैं, अब इसको उठा लेते हैं और इस बॉल में रख लेते हैं। तो सरसों को हम उठा लिए हैं अच्छा से सिलबट्टा से, ये देखिए पीस के। ये देखिए 20 मिनट बाद हम निकाल लिए हैं ऑल सब, पानी भी फेंक दिए हैं। तो बहुत अच्छा से बॉयल हो गया, ये देखिए फट गया है। इसमें हम डाल देते हैं नमक, डाल देते हैं सरसों का तेल। इधर है सरसों पिसा हुआ, इसको भी हम डाल देते हैं। तो ये गर्मा गर्म चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टीदार बनता है ये चोखा। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके बना के खा के देखिएगा। इसको हम अच्छा से हाथ से मैच कर लेते हैं, थोड़ा गर्म भी है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ओल का चोखा बनाया हुआ मेरा रेडी हो गया है, ये देखिए। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से हम मिर्चा डाल देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के सामने।
फिर से। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।